त्रिपुरा में इस बार लेफ्ट और बीजेपी दोनों की ही साख दांव पर है। चरेलम विधानसभा सीट से सीपीएम के उम्मीदवार रामेंद्र नारायण देव वर्मा की मौत हो जाने की वजह से सीट पर 12 मार्च को चुनाव होगा। पिछले 25 साल से राज्य में वाम मोर्चा की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। वोटिंग को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 300 कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही असम आर्म्ड पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निर्धारित जगहों तक पहुंचाया गया। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बांग्लादेश से लगने वाले त्रिपुरा के 856 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट पर है। वी हैव डिप्लॉयड 18 ट्रेनिंग कंपनीज फॉर इलेक्शन ड्यूटीज फ्रॉम त्रिपुरा फ्रंटियर, प्लस इन टोटल देयर आर 39 ट्रेनिंग कंपनीज व्हिच हैव कम हियर। पोलिंग बूथ में सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की गई है। हमने अपने तरफ से कुछ स्पेशल कदम उठाए, जैसे कि हमने हर जगह में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज वोटर्स के लिए हमने लगाए, जैसे कि पानी का व्यवस्था हो या रैंप का व्यवस्था हो और वेटिंग शेड का व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और कल कर्नाटक के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी आज नवी मुंबई में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के चौथे कंटेनर टर्मिनल को देश को समर्पित करेंगे। आज से मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट की शुरुआत हो रही है। पीएम समिट को संबोधित करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करेंगे। मुंबई से पीएम मोदी मैसूरू के लिए रवाना होंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में आयोजित हो रही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संबोधित करेंगे। श्रवण बेलगोला तीर्थ में आयोजित होने वाले बाहुबली महामस्तक अभिषेक महोत्सव में शामिल होंगे। मैसूरू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मैसूरू बेंगलुरु इलेक्ट्रिक रेल लाइन देश को समर्पित करेंगे। मैसूरू और उदयपुर के बीच चलने वाली पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। यूपी के बरेली में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ लफ्जों में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। बातचीत के हालात है, मैं जानना चाह रहा था कि बातचीत हो सकती है, हालात आपको लग रहा है कैसे हो सकता है? नहीं, आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। कश्मीर में पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए जाने के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा, ये एक खास रणनीति का हिस्सा है। हम लंबे समय तक किसी को जेल में रखकर हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं बनाना चाहते। सोची समझी रणनीति के तहत यह किया गया है। भारत और ईरान के बीच दोस्ती का रिश्ता और रूहानी हो गया है। भारत के दौरे पर आए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ पीएम मोदी के आतंकवाद से लेकर व्यापार और ऊर्जा पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और ईरान के बीच 9 अहम समझौते भी हुए। इनमें ईरान के चाबहार पोर्ट के एक हिस्से को 18 महीने तक भारत को लीज पर देने का समझौता अहम है। चाबहार पोर्ट को विकसित करने में आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत ईरान के बीच अपराधियों के प्रत्यार्पण, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीजा से छूट देने पर भी MOU साइन किए गए। वहीं दिल्ली के एक कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार दिए जाने का भी समर्थन किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार भारत आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। ट्रूडो के भारत दौरे में खालिस्तान का मुद्दा उठने की उम्मीद है। भारत कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर सकता है। ट्रूडो सरकार पर खालिस्तान को लेकर नरमी बरतने के आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली के अलावा ट्रूडो आगरा, अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर जाएंगे। आज ट्रूडो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ ताजमहल देखेंगे। सोमवार को कनाडा के पीएम अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। गुजरात में ट्रूडो अक्षरधाम मंदिर और IIM अहमदाबाद भी जाएंगे। मंगलवार को ट्रूडो मुंबई में भारत के बड़े कारोबारियों और बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात करेंगे। बुधवार को जस्टिन ट्रूडो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। अमृतसर के बाद फिर से जस्टिन ट्रूडो दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रूडो दिल्ली में जामा मस्जिद भी जाएंगे। 23 फरवरी को ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत होगी। जस्टिन ट्रूडो के भारत आने से पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।